तो हमारे दादा के जो बहन है वंशावली में उनका नाम देना है तो उनका भी आपको हिस्सेदारी खोलना होगा। हमारे पिताजी के भी बहन है अब उनके लिए हिस्सेदारी खोलना होगा। तो दादी का जो बेटा बेटी है वो भी हिस्सेदारी खोजेगा, पिताजी के भी बेटा बेटी है मतलब हमारे जो भाई बहन है वो उनकी जो भाई बहन है वो हिस्सेदारी खोजेगा, हमारे जो बहन है वो हिस्सेदारी खोजेगा। आपके पिताजी की बहन है उसका भी तो नाम देना है, मेरे दादाजी के जो बहन है उसका भी नाम देना है। आप बताइए, उसको चार बाल बच्चा है, उसके भी घर में झगड़ा होना है, हमारे पिताजी की वजह से भी झगड़ा होना है, हमारे में भी झगड़ा होना है। बिहार सरकार भूमि सर्वे करवा रही है, आप सामाजिक संगठन चलाते हैं, आप लोहार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भूमि सर्वे में लोगों का आरोप है कि बहुत परेशानियां हो रही है, क्या क्या परेशानियां हो रही है, कहां कहां दिखते हैं? सरकार ने एक चीज इसमें जरूर किया कि एक टाइम बाइंडिंग किया है कि इतने दिन में इस जमीन का सर्वे होना है, तो इसका मतलब साफ होता है कि इस अवधि में जो भी कागजात है उसको संपूर्ण करना है। और संपूर्ण करने के चलते अधिकारियों को क्या लगता है कि ये मुर्गा जाएगा कहां? तो ऐसे स्थिति में जब वहां जाता है वो दाखिल खारिज कराने खास के, तो वो उसको इतनी परेशानी होती है, एक तो कर्मचारी नहीं मिलता है, उसके जो अर्दली होते हैं वो मिलता है तो मनमाना राशि मांगता है, मनमाना राशि देने के बावजूद भी वो इतना दौड़ाता है, इतना परेशान करता है, इससे लोग जरूर परेशान है। जमीन में विवाद होना लाजमी है, चूंकि अब वो ट्रेनर का कहना है कि कोई कागज नहीं है, आपके पास खतियान है तब भी हम आपका सर्वे होगा, अगर आपके पास केवाला है अगर फिर भी दाखिल खारिज नहीं है तब भी आपका सर्वे होगा, मतलब किसी तरह का साक्ष होना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं तो हम जो आपके जो चौहद्दी होंगे, जो आपके गांव घर के पास पड़ोस के लोग होंगे, उससे हम ये देखेंगे कि ये जमीन कब्जा किसके है। अब यहाँ दिक्कत क्या होगी, एग्जाम्पल में ले लीजिए कि वो जमीन मेरे कब्जा है और उस कागज मेरे पास कोई कागज नहीं, वो हम अपने बाप दादा के जमाने से जोत रहे हैं, मेरे पिताजी भी जोते हैं उसको, दादाजी भी जोते हैं, लेकिन एग्जाम्पल वो जमीन अगर किसी और के खतियान में होगा, क्योंकि वो खतिया वो तो कटा नहीं सर्वे से, सर्वे हुई नहीं थी, दाखिल खारिज उसका हुआ नहीं, और उसके पिताजी ने केवाला कर दिया किसी को, अब बाढ़ आई दहाड़ हुआ घर में किसी तरह की घटनाएं हुई आगजनी हुआ उसके पास कोई पेपर नहीं है, तो ऐसे स्थिति में अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो यहाँ विवाद होने की संभावना बढ़ती। मंत्री जी कहते हैं कि ऑनलाइन कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है घूमने फिरने का, और लोगों का आरोप है कि ऑनलाइन कागजात करने के बाद बुलाया जाता है और कहता है कि ये खामियां इतना पैसा दीजिए तभी काम होगा। ऑनलाइन आप कागज खोज सकते, ऑनलाइन रसीद कटा सकते हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज तो नहीं होगा, दाखिल खारिज जिनको 62 के बाद नहीं हुआ, उसके पास केवाला है, उसके पास खतियानी जमीन है, वह किसी तरह का वो रसीद नहीं कटा पाया है, तो जिसका कटा हुआ होगा उसी को ना ऑनलाइन में मिल पाएगा, नहीं कटा हुआ है तो उसको तो दाखिल खारिज करा के और पहले एक रसीद तो कटवाएगा उसके बाद ही उसके नाम से चढ़ता है। अब सरकार कहती है कि आप ऑनलाइन कर लीजिए, एक टेक्निकल दिक्कत हो आपको बताते हैं, कर्मचारी लोगों का कमाल है वो, आप जब जमीन का रसीद कटवाते हैं दाखिल खारिज करवाते हैं तब रसीद कटता है, दाखिल खारिज का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, वो जो रसीद काट के देता है वही समझ लीजिए आपका दाखिल खारिज हो गया। अच्छा, दाखिल और खारिज दोनों दो चीजें हैं, उसको बोलते हैं रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 करके। रजिस्टर 1 दाखिल होता है मतलब आपको वह चढ़ा देता है, खारिज रजिस्टर 2 नहीं करता है, मतलब जिसके नाम पर था वहां से हटना चाहिए ना, वो आप ये बात हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये जो उनके ट्रेनर लोग थे उन लोगों ने भी यह स्वीकार किया कि कर्मचारी लोगों की बदमाशी है कि इन लोगों ने रजिस्टर 2 बहुतों यानी 90% जमीन का बिहार में रजिस्टर 2 नहीं है, मतलब दाखिल है खारिज नहीं है, तो दाखिल तो मेरे नाम से आ गया ठीक है, लेकिन खारिज जिसके नाम से नहीं हुआ वो आदमी तो अपना रसीद कटवा के मतलब दिए हुए है, वो पूरे वो बेचे हुए है, उसका बाप दादा बेचे हुए है, बेटा को पता नहीं है, तो ये विवाद का जड़ है। अच्छा। दूसरा हम ये कह रहे थे कि अब वंशावली को आप देखिए, अब सरकार कहती है कि इसमें घर के जो बेटियां हैं उनका भी हिस्सेदारी होना है, शेयर खोलना है। अब टेक्निकल दिक्कत क्या है कि हमारी बहन तक सीमित है नहीं, मेरी बेटी तक सीमित नहीं है, अब वो जमीन मेरा अगर खतियानी है
या मेरे दादा ने के वाला लिया है तो, या मेरे परदादा के वाला लिए हुए हैं तो हमारे दादा के जो बहन हैं वंशावली में उनका नाम देना है तो उनका भी आपको हिस्सेदारी खोलना होगा। हमारे पिताजी के भी बहन हैं अब उनके लिए हिस्सेदारी खोलना होगा। उसके बाद हम पर जब आएगा, चूंकि अब दादाजी नहीं है पिताजी नहीं है लेकिन अगर दादी नहीं है तो दादी का जो बेटा बेटी है वो भी हिस्सेदारी खोजेगा। पिताजी के ही बेटा बेटी है मतलब हमारे जो भाई बहन है वो उनकी जो भाई बहन है वो हिस्सेदारी खोजेगा। हमारे जो बहन है वो हिस्सेदारी खोजेगा। अगर नहीं भी है तो उसके जो बाल बच्चा है वो। आखिर ये सरकार को एक सीमा तय करना चाहिए कि ये मतलब लेवल कि किस लेवल पर। अगर पुराने लोगों में बंटवारा नहीं है तो उनके भाई का बंटवारा हो चुका है अगर, तो हमारे हमारा जो बंटवारा होगा अभी 1% इसको हम लोग क्या समझते हैं। सरकार समझती है कि हम जमीन का सर्वे कर रहे हैं लेकिन ग्रामीण लोग समझते हैं कि यही एक मौका है कि हम अपने भाई में भी अपना डिवाइडेशन कर लें। क्योंकि आप उसमें बहन का नाम देने की बात कर रहे हैं हाँ। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि जो बहन के अब आपके पिताजी की बहन है उसका भी तो नाम देना है, मेरे दादाजी के जो बहन है उसका भी नाम देना है। आप बताइए उसको 4 बाल बच्चा है उसके भी घर में झगड़ा होना है, हमारे पिताजी की वजह से भी झगड़ा होना है, हमारे में भी झगड़ा होना है। तो ये विवाद लोगों को संशय की स्थिति बनाए हुई है। सरकार कहती है NOC ले लीजिए। अब इसमें किसी को अगर किसी ने बहन ने किसी का NOC नहीं दिया, किसी की दादी कुआ अगर NOC नहीं दिया तो ऐसे स्थिति में तो उसका शेयर खोलना पड़ेगा। तो ये एक झोंझ दिखता है इसमें, इसको सरकार को कन्फर्म कर देना चाहिए कि इस लेवल पर आके जाके इसको हमको खत्म करना। क्या पिता के संपत्ति में बेटी का हक नहीं होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए लेकिन बेटी एक आप ये भी समझिए कि बेटी तो हमारी जो भी मतलब हकदार हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार कह दिए तो सभी बेटी हक लेने के लिए तैयार। लेकिन कुछ बेटियां हैं तो जिसके लिए सरकार कहती है कि आप NOC ले लीजिए, अगर बेटी अपना हिस्सा छोड़ देती है तो आप अपना भाई भी बांट लीजिए। तो सवाल है कि भाई भी तो कोई कह सकता है कि अपने भाई को छोड़ दे रहे हैं, तो बहन छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? आखिर आप उसके विवेक पर छोड़ दिए ना। वो तो आखिर उसके ससुराल में भी संपत्ति है, उसके नैहर में भी संपत्ति होगा, तो हमारे भी जो माता जी है तो हमारा नलियाल में संपत्ति हो जाएगा, मेरे ददियाल में संपत्ति हो जाएगा। एक व्यक्ति कितने जगह संपत्ति का मालिक होगा? ये एक टेक्निकल चीज तो दूर होगी और वो बहन को फिर पैसा देके तो वही भाई जमीन लिखवा लेगा ना। तो ये कम से कम क्लियर होना चाहिए, ये कंसेप्ट स्पष्ट होना चाहिए सरकार का कि अभी जो वर्तमान जो लोग जीवित हैं और अंतिम में जिन लोगों का डिवाइडेशन होना है भाईचारे में उनके बहन की बात होगी, न कि उनके दादा का और उनके पिताजी की बहन की बात होगी। तो क्या लगता है बिहार सरकार विवाद खड़ा कर रही है क्या परिवार में? देखिए विवाद वो तो नहीं चाहती है खड़ा करना लेकिन ये स्वतः विवाद हो जाना है। और आप देख लीजिए बिहार के गया में जो ये जमीन की ही विवाद से नहीं ये हुआ है इतना बड़ा संहार क्या हुआ है? जो आपको पहले लाइन में हम बोले हैं कि जमीन किसी का, अब वो कह रहा है कि भाई ये हम लोगों को बास्किट मिला हुआ है, दलित में विवाद हो गया है, ये सर्वे आने से हुआ सामने। इसलिए सरकार को जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए।